हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने तीन शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो पूरे महीने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक अभी बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो हमारा पहला स्टॉक है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये एक डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है जो कि गाइडेड मिसाइल्स एंड एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में एक्सपर्ट है। इसे बाय करना है हमें 379 के लेवल पे। इसका SL रहेगा हमारा 349 का और जो टारगेट है वो है 410, 430 और 480। इसे हम लंबे समय के लिए भी खरीद सकते हैं, इस महीने से भी ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं अगर SL हिट नहीं होता है तो। ये बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकती है ये कंपनी, क्योंकि जैसा हमारा टेंशन चाइना के साथ चल रहा है और पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा बहुत टेंशन है, डिफेंस में एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और मिसाइल्स और पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इस आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। देखते हैं इसका चार्ट को। ये है भारत डायनेमिक्स इंडिया लिमिटेड का चार्ट। अभी देख सकते हैं ये जो टेंशन क्रिएट हुई है उसके बाद में वॉल्यूम भी अच्छा बिल्डअप होना शुरू हो चुका है और ये कंपनी फाइनेंशियल ग्राउंड पे भी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसे ऑर्डर्स भी काफ़ी मिल रहे हैं। तो हमारी दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक को हमें बाई करना है 200 के लेवल पे और इसका SL जो निकल के आ रहा है वो है 182 और जो टारगेट इसके बनते हैं वो है 220, 250 और 300। ये कंपनी जिंक सेक्टर से रिलेटेड है जैसा कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है, ये कंपनी सिल्वर में भी काम करती है। इसकी बहुत अच्छी सिल्वर माइनिंग की माइंस है इसके पास में। अभी सिल्वर का जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है उस हिसाब से इस स्टॉक में तेजी नहीं आई है, तो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी स्पीड से ये स्टॉक बढ़ सकता है। सिक्स्थ लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है ग्लोबली। ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में, सिल्वर के बारे में मालूम है कि ये सिल्वर माइनिंग भी करती है कंपनी। पहले हम देख लेते हैं हिंदुस्तान जिंक का चार्ट। ये बहुत ही अच्छे लेवल पे जैसे खड़ा है यहाँ पे, आसानी से ये यहाँ से अगर इसमें स्पीड आती है तो ये 220, 230, 240 आसानी से 300 तक भी जा सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में। ये कंप्लीटली हमने सिल्वर पे बेट खेला है ऐसा समझ लीजिए। अभी सिल्वर का चार्ट भी हम देख लेते हैं। ये है सिल्वर फ्यूचर का चार्ट। जैसा कि देख सकते हैं कितने स्पीड से ये 51,000, 52,000 से किस तरह से ये स्पीड से निकला है, वैसी चाल लगभग इसमें भी आ सकती है इस स्टॉक में। अब हम देख लेते हैं हिंदुस्तान जिंक्स के फंडामेंटल्स को भी। फंडामेंटल्स भी काफी साउंड है इस कंपनी के। ये माइनिंग फील्ड से रिलेटेड है। इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 30-34% हर साल रहता है। और हमारी जो तीसरी कंपनी है वो है रेलिस इंडिया लिमिटेड। इसे बाय करना है 297 के लेवल पे। इसका SL रहेगा 268 का और जो इसके टारगेट बन के आ रहे हैं वो 330, 360 और 400। ये एग्रो केमिकल से रिलेटेड सेक्टर है। अब देख लेते हैं इसका चार्ट। ये है रेलिस इंडिया का चार्ट। इसमें देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी बिल्डअप हो रहा है और अपने हाइस के पास ही काम कर रहा है ये कंपनी। इसमें जो मार्च टाइम में जो गिरावट आई थी उसे बिल्कुल कॉन्ट्रा कर दिया है और अपने हाइस के आसपास फिर चला गया है। इसके चार्ट भी बहुत शानदार बने हुए हैं। अब देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी BSE इंडिया की वेबसाइट पे। ये बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट है, इसे आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फंडामेंटल्स, अनाउंसमेंट, सब चीज आता है इसमें। ये देखिए कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, कब डिविडेंड दिया, कितना डिविडेंड दिया, वो सब आते हैं। और यहाँ पे अनाउंसमेंट, जो भी कंपनी पहले अनाउंसमेंट करती है तो सबसे पहले उसे BSE एक्सचेंज में ही या NSE एक्सचेंज में ही बताना होता है और वो लेटर यहाँ पे पब्लिश हो जाते हैं। और ये रिजल्ट है, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है और ये टेक्निकल्स भी इसमें बताते हैं। आप देख सकते हैं ये इसके रिजल्ट हैं। और देख लेते हैं रेलिस इंडिया का क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट। ये इसकी रेवेन्यू देख सकते हैं 1300 करोड़ थी, फिर 1500 करोड़ हुई, ये 1500 के आसपास ही रहा 2018 में। 19 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ और 2020 में इसने 2250 की रेवेन्यू आ गई इसमें।
ये सब जो डबल इनकम की बात की गई है प्रधानमंत्री द्वारा, कुछ उसका भी इम्पैक्ट आप कह सकते हैं। नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, थोड़ी सी इंक्रीमेंट है इसमें भी, प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक लेवल पे ही है, और इसका जो चार्ट बन के आ रहा है वो बहुत ही शानदार बाय कह सकते हैं इसे इस करंट लेवल पे। दोस्तों आपको किसी स्टॉक के बारे में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।